हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सजाद अंसारी, स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल डॉक्टर में। दोस्तों, आज जो है हिंदी का एग्जामिनेशन हुआ है, उसका जो मैं आंसर लेकर आ चुका हूँ। आपके पास जो भी सेट है दोस्तों, उससे आप मिला सकते हैं। आपके पास ए से लेकर जे तक जो भी सेट है, यहाँ पे जो है मैं डी के बताने वाला हूँ, क्वेश्चन और आंसर के साथ जो है आप जो है मिला सकते हैं। इसमें जो भी आंसर मैं बताऊँगा वो बिल्कुल सही है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जल्दी जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी जो है मिला सके। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के पांच भेद होते हैं। ऑप्शन ए का एक एक होगा, यानी कि सेकंड नंबर क्वेश्चन है, आकाश शब्द का सही विशेषण रूप क्या होगा? यानी आकाश शब्द का जो सही विशेषण रूप जो है दोस्तों, यह कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। आपको इससे कमेंट कीजिए। हमारे हिसाब से तो इसका आंसर जो है आसमानी होना चाहिए, तो आप इसे कमेंट कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थ्री का, किताब शब्द का सही विशेषण क्या होता है? यानी किताब जो शब्द है उसका किताबी होता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर फोर का, यानी कि लिंग निर्धारित करने का दिया हुआ था पूजा का, तो पूजा हो रही है, यानी कि यह फोर का ए आंसर होगा। अब जो है क्वेश्चन नंबर फाइव की ओर बढ़ते हैं। संभव शब्द का विलोम पूछा, संभव शब्द का विलोम होता है असंभव, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर सिक्स की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स में पूछा है, रामवृक्ष बोनीपुरी का रचना क्या है? तो मंगर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर सेवन, देवेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? देव जोड़ इस। क्वेश्चन नंबर एट की तरफ बढ़ते हैं। एट में जो पूछा हुआ है, दिखावट शब्द का प्रत्यय पूछा है, तो दिखावट शब्द का प्रत्यय आवट होता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर नाइन जो है, यहाँ पर लिंग निर्धारित करने, घी शब्द का लिंग निर्धारित करने के लिए आता है, घी महंगा है, ऑप्शन ए। अब जो है क्वेश्चन नंबर दस की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा है जो है, निम्न में गोपाल देश कौन सा है? यानी यहाँ पे गाय का पालन होता है सबसे ज़्यादा, वो है भारत, ऑप्शन ए। निम्न में से रंग जमाना का मुहावरा क्या होता है? रंग जमाना यानी धाक जमाना, ये ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर बारह का जो है, सजीव शब्द का विलोम पूछा है, यानी उल्टा निर्जीव, ऑप्शन सी। तेरह नंबर क्वेश्चन, कबीर रविंद्रनाथ ठाकुर साहित्य का कौन सा विद्या है? यानी कि जो कबीर रविंद्रनाथ ठाकुर हैं वो कौन सी विद्या में आते हैं? यानी कि नाटक है, ऑप्शन ए। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन जो है थोड़ा कंफ्यूज है, लेकिन मेरे हिसाब से क्वेश्चन तेरह का आंसर नाटक ही होगा, मैं जहाँ तक उसको सर्च किया हूँ। क्वेश्चन नंबर फोर्टीन यानी चौदह का, पुरुष शब्द का विलोम जो है स्त्री होता है, बी। क्वेश्चन नंबर पंद्रह की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा हुआ है, अनुशासन शब्द का उपस्वर्ग पूछा है दोस्तों। उपस्वर्ग जो है अनुशासन को होता है अनु। क्वेश्चन नंबर सोलह का क्वेश्चन जो है पूछा है, निम्नलिखित में से किस लेखक को यानी कलम का सिपाही कहा जाता है? प्रेमचंद्र को, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर सत्रह, निम्न में से चतुरांत शब्द कौन सा समास है? यानी चतुरांत जो है दोस्तों बहुविग्रीय समास है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर अठारह जो है, कथा का सम्राट किने कहा जाता है? प्रेमचंद्र को कहा जाता है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में महादेवी वर्मा काल यानी महादेवी वर्मा जो कवित्री है वो किस खंड में आती है? आधुनिक काल में, ऑप्शन डी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। सुमित्रा नंदन पद का जन्म कहाँ हुआ था? कोशानी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से त्रिभुज शब्द कौन सा समाज है? त्रिभुज जो है द्विगुरी समाज है, यानी बी। अब क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था यानी कब हुआ था? यानी महादेवी वर्मा का जन्म जो है 1907 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कवि को प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है, यानी सुमित्रा नंद पद को कहा जाता है, बी ऑप्शन। यानी क्वेश्चन नंबर 29 की ओर जो होता है, जीवन संदेश शीर्षक कविता के कवि कौन है? जीवन संदेश जो है राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन बी। अब जो फाइनली क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कलम तोड़ना यानी कि कलम तोड़ना का मतलब क्या होता है? बढ़िया लिखना या अच्छी लिखावट होना जो है दोस्तों। बस मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करने भूलिएगा दोस्तों। इसमें जो भी आंसर बताया हूँ दो नंबर को छोड़कर सब जो है आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, आप इनसे मिला लीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।